हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन और मेरे चैनल क्रिएटिविटी ऑफ स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नेट पे कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले मैं इसे एक पेपर पे समझाऊंगी, जिससे आपको बनाने में आसानी हो जाए। इसके लिए मैंने एक पेपर पे इसका ग्राफ पहले से बना रखा है। अब मैं इस पर आपको जिस साइज का मैं बनाने जा रही हूँ कुर्ती, उसका नाप है, लेंथ मैंने ले रखा है 42, शोल्डर 14 और ब्रेस्ट 38 लिया हुआ है, वेस्ट है 34 और हिप है 40। ये शोल्डर है, शोल्डर मैंने लिया है 7.5। ये इसमें मैंने 0.5 प्लस किया है क्योंकि विदाउट स्लीव में हम हाफ इंचेस प्लस कर देते हैं। और ये है हमारा आर्म होल मैंने लिया है 5.5। अगर हम स्लीव के साथ बनाते हैं तो हमारा शोल्डर होता है 6.5। और ये हमारा चेस्ट है 9.5, 38 का चौथा होता है 9.5 प्लस मैंने इसमें हाफ इंच प्लस करा है, तो ये हो गया। ये हमारा वेस्ट है, वेस्ट मैंने लिया है 8.5, 34 का चौथा 8.5 होता है और इसमें भी मैंने 0.5 प्लस किया है। यहाँ से इस वेस्ट की लंबाई मैंने ली है 14.5 इंचेस। ये हमारा हिप को है 40 का चौथा होता है 10 और 10 में मैंने प्लस 0.5 किया है, तो ये हमारा हिप 10.5 लिया है। यहाँ ऊपर से हिप की लंबाई जो ली है मैंने, वो ली है 20 इंचेस। बहुत लोग हिप ये चाक बहुत नीचे से पहनते हैं, कुछ लोग ऊपर से पहनते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग 1-2 इंच नीचे या ऊपर, ये 20 का 22 कर सकते हैं या 19 कर सकते हैं। इसके मुड्ढे की गोलाई हमने दी है 2 इंचेस यहाँ से लगा के, नाप लगा के फिर यहाँ से हमने इसकी गोलाई दी हुई है। और ये मार्जिन हमने सिलाई के लिए 1.5-1.5 इंच का रखा है, ये मार्जिन हमने पूरा 1.5 इंच का रखा हुआ है। और ये हमारा गले का, हम इसमें बोटनेक बनाएंगे, तो बोटनेक के लिए मैंने ये गले की लंबाई ली हुई है 4 इंच और ये 3 इंच इधर से लिया हुआ है। अब ये हमारा पूरा ग्राफ तैयार हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका गला भी काट दो। अब हम इसे रख के पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद नेट की कटिंग करेंगे। चलिए अब कपड़े पे कटिंग करते हैं। मैंने ये लाइनिंग बिछा ली है अब काटने के लिए और इसके ऊपर में ग्राफ भी बना लिया है। इसे पेपर को रख के मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लिया है और यहाँ तक मैंने 20 लिया हुआ था और इसके नीचे बिल्कुल मुझे स्ट्रेट कुर्ती बनानी है, तो मैंने स्ट्रेट लाइनिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं एक इसमें और एक लाइन बनाई हूँ। मैं ये जो मैंने यहाँ पे गोलाई दी है, इसमें मैं लाइनिंग ना लगा के केवल नेट लगाऊंगी, तो मैं इसकी नाप बता देती हूँ। ये मैंने लिया है, इसकी लंबाई ली है 5 इंच और यहाँ से मैंने ये गोलाई दे दी है मुड्ढे तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैंने इसे सेट कर दिया है नेट के ऊपर, अब इसके इसे रख के इस
इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी गले की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सूट की कटिंग पूरी हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। अब इस तरह ये मेरा सूट की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस गले की फिनिशिंग करेंगे, तो चलिए आगे और गले का फिनिशिंग करते हैं। पहले मैंने गले के शेप का ये कपड़ा काट लिया है। अब मैं इस पे इस तरह से इसकी सिलाई करूंगी उल्टे साइड से, और इसी तरह मैं दूसरा गला भी तैयार कर लूंगी। चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब ये मेरे गले की फिनिशिंग हो गई है दोनों गलों की। अब इस गले को हम इस कुर्ते में अटैच करेंगे। इसके लिए हम बहुत ध्यान से करेंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा कुर्ता में झोल आ सकता है, खराब हो सकता है। इसके लिए हम पहले इसका सेंटर, गले का सेंटर और इस कपड़े का सेंटर, ये दोनों को लेके एक निशान लगा देंगे, जैसे मैंने लगा रखा है पहले से। उसके बाद इस तरह से लेके हम पिन से पहले एक इसकी स्टिचिंग करने से पहले हम इसे पिन से सेट कर देंगे। अब इस तरह मैंने इसे पूरी तरह पिन से अटैच कर लिया है इस तरह। अब हम इसकी स्टिचिंग यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। अब मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक और सिलाई चला लूँगी जिससे कि ये गला अच्छे तरह से बैठ जाएगा, और इसी तरह हम दूसरा साइड भी कुर्ते का सिल के बैठा लेंगे। अब मैंने इसके ऊपर इस सिलाई कर दी है। अब ये बैठ चुका है। अब दोनों साइड मैंने इस तरह से स्टिच करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। अब ये शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है, देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम इसके बाजू की सिलाई करेंगे, इसमें कपड़ा लगा के इसे अटैच करेंगे। अभी मैंने एक बाजू के शेप में कपड़ा काट लिया है। अब इसे इस तरह से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे और इसे फिनिश करेंगे, और इसी तरह हम दूसरे साइड भी कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे बाजू की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस साइड की फिटिंग देंगे। अब दोनों साइड की फिटिंग करने के लिए जितना हमने मार्जिन रखा था सिलाई के लिए डेढ़ डेढ़ इंच, उस पर हम पहले निशान लगा लेंगे और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा हिले ना और आसानी से सिल सके। अब ये दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए मैंने एक एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है इस तरह से। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लें, उसके बाद इसके ऊपर मशीन चलाएं। इस तरह से दोनों साइड एक एक इंच कपड़ा ओढ़ के हम इसकी सिलाई करेंगे। ये मेरा चाक बनकर तैयार हो गया है, देखिए। मैंने दोनों साइड इसी तरह
चाक बना दिया है और इसी के साथ हमारा सूट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मेरी ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।